हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ समर। आपको बता दें, केंद्र सरकार पूरी तरह चुनावी मोड पे आ गई है। अब केंद्र सरकार की हर योजनाओं को अलग अलग मतदाता वर्गों को साधने की दृष्टि से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह 21,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां बांटी हैं, महिलाओं को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए योजना शुरू की है और जन औषधि केंद्र की शुरुआत की है। केंद्र ने यह साफ कर दिया है कि अगला लोकसभा चुनाव वह इनकी मुद्दों पर लड़ने वाली है, क्योंकि पूर्व के चुनाव में इन्हीं युवाओं और महिलाओं ने भाजपा को दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचाने का काम किया है। भाजपा विभिन्न योजनाओं के जरिए इन्हें लुभाकर अपनी जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया था। आपको बता दें, 2014 के लोकसभा चुनाव में 18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच के 34% युवा मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ गया और ये 40% तक पहुंच गया। अनुमान है कि 2021 में देश में 29 वर्ष या इससे कम आयु के युवाओं की आबादी कुल जनसंख्या की लगभग 53% थी। इसमें 15 से 25 वर्ष के लगभग 25 करोड़ युवा शामिल हैं। इस वर्ग को रोजगार, राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री मोदी की छवि प्रभावित करती है। आपको बता दें, ये मतदाता वर्ग किसी भी चुनाव परिणाम को बदलने की ताकत रखता है, लिहाजा भाजपा इन सभी फैक्टर पर अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। रोजगार मेले के माध्यम से अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी जा चुकी है। मोदी की इस कोशिश को सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में युवाओं को आकर्षित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। CSDM के प्रोफेसर संजय कुमार के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव महिलाओं को आगे बढ़ाने की वकालत करते रहते हैं। वो हर मंच पर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने की कोशिश भी करते हैं। संभवत यही कारण है कि महिला मतदाता मोदी की बड़ी समर्थक वर्ग बनकर उभरी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 34% परिवारों को उज्ज्वलता योजना का लाभ मिला था। प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का रजिस्ट्रेशन महिलाओं के नाम पर होने से भी उनमें भाजपा के लिए आकर्षण बढ़ा था। संभवत इसी का परिणाम था कि लगभग 36% महिला मतदाताओं ने भाजपा को वोट किया। हालांकि इसी चुनाव में 39% पुरुषों ने भी भाजपा को वोट किया था। इस बार भाजपा ने महिला आरक्षण कानून पास करने के साथ साथ महिला राष्ट्रपति बनाने और सेना के प्रमुख अंगों में महिलाओं को अवसर देने जैसी ऐतिहासिक पहल भी की है। इससे भी महिलाओं के बीच मोदी की लोकप्रियता बढ़ सकती है। आपको बता दें, छोटी दुकानें ठेले लगाकर छोटे छोटे रोजगार करने वाली महिलाओं को लोन मिलने से भी उन्हें लाभ मिल सकता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत जिस तरह भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा महिला किसानों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है, इसका भी सकारात्मक असर हो सकता है। इसी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।